हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? हम लोग जा रहे हैं अमृतसर और राम तीर्थ जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और आप लोगों के लिए सरप्राइज था और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम फुल फैमिली जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बड़े भैया स्टेशन पे हैं और लेकिन जिठानी नहीं जा रही है, दुरानी चानी कोई नहीं जा रहा, बस हम ननद जा रहे हैं। तो आप लोग फिर से मिल लीजिए, आगे हैं फिर से इनके भी मस्ती लगी हुई है आने जाने में, खूब घूम फिर रही है, तो घूमने जा रही है ये भी। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलेंगे राम तीर्थ। और अमित सर, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ राम तीर्थ, आज से पहले कभी नहीं गई हूँ। मुझे 13 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए और लेकिन कभी नहीं गई हूँ। और ये भी छुटकी भी जा रही है। और छुटकी हेलो करो, दिखा दे। हेलो 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 गाइस। तो चलिए चलते हैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं वीडियो लंबा हो जाता तो वहीं का दिखाऊंगी आप लोग। तो चलिए चलते हैं स्टेशन, पैदल ही चल रहे हैं। एक्टिवा खड़ी कर दिया है तो चलिए चलते हैं। ओह नो फोटो, वीडियो हो रही है। हेलो हेलो कर दो भैया। हाय हेलो, इधर कौन है भैया का? पेट देखो पूरियां निकल रही है भैया की। हेलो इधर कौन है? इधर ये है सोनाक्षी। चलो फोटो क्लिक कर दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ट्रेन पकड़ लिया है और हम लोग बैठे हुए ट्रेन पे। और आज ट्रेन की जो है खूब मस्ती होगी और बहुत ही अच्छा लगता है ट्रेन पे। कभी कभी बैठने में कहीं जाना होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग अमृतसर जा रहे हैं ट्रेन से। तो ये देखिए सभी बैठे हुए हैं, बैठ गए हैं और बस चलते हैं, वहीं पे मिलते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं राम तीर्थ। ये अमृतसर में है राम तीर्थ और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और काफ़ी बड़ा सरोवर दिख रहा है आप लोगों को। तो बहुत ही बड़ा सरोवर यहाँ पर बना हुआ है, तो देख सकते हो। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था, देख सकते हो। तो ये साइड है जो जहाँ पे आदमी लोग नहाते हैं, तो ये खुले में तो आदमी लोग नहाते हैं लेकिन जहाँ पे औरतों का स्नान है बना हुआ है वहाँ पे मतलब पूरा घिरा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं, तो जितना बड़ा जो घर बनाएगा उसका उतना ही बड़ा घर बनता है। तो ऐसी मनोकामना यहाँ पे लेके ऐसे बनाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और देख सकते हो आप लोग बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बनाया था हादसे के बारे में, तो मैं बहुत ही थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, तो देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं और लंगर खाकर हम लोग आ गए हैं मत्था टेक के। और जो है लंगर खा के फिर यहाँ पर आ गए हैं, बैठे हुए हैं और आगे फिर चलेंगे। यहाँ पे झूला बच्चों को थोड़ा बहुत झूलाना है, तो किसी ने भी झूला नहीं झूला क्योंकि पहले ही बहुत कुछ हो गया था, इसलिए किसी को भी झूले पे नहीं बिठाया। बस छोटी वाली जो थी बेटी उसी को झूला झुलाया गया था यहाँ पे, वो देखो। और उसके बाद जो है यहाँ पर आ गए थे मत्था टेकने के लिए। यहाँ पे भी राम दरबार बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दर्शन करने के बाद फिर नीचे, वहीं से नीचे जाने का रास्ता था, तो यहाँ पे बजरंग बली देख सकते हो, बहुत ही बड़ा वह जो है बनाया हुआ है, बजरंगबली की मूर्ति बनी हुई है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बजरंगबली के। और उसके बाद ये हम लोग राम तीर्थ से वापस आ रहे थे, तो बाहर निकलने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी डिश थी जो बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो हम लोग वही खा रहे थे यहाँ पर। तो चलिए उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं हम सभी जलिया वाले बाग, और आप सभी को दिखाने वाली हूँ मैं जलिया वाला बाग। तो आप सभी देखिएगा और मैं यहाँ पर भी यहाँ पर वॉशिंग नहीं करूँगी, देर लगा देखिए। पंजाब के लोगों ने पूरे जोश
अंदर साइडर नीचे तक दिख रहा है क्या पड़े है नीचे कचड़ा पड़ा है क्या तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक। आप सभी ने देखा जलियांवाला बाग, आप सभी को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो कल फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।